वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने हक हुकूक का जिक्र किया, वहाँ पे वालिदैन के हुकूक का भी जिक्र किया साथ ही, जैसे मिसाल के तौर पे अनिश्कुर ली वली वालिदई के बंदे को चाहिए कि वो मेरा शुक्र करे, अपने वालदैन का शुक्र अदा करे। तो हज़रत इसमें दो सवाल आ रहे थे कि बंदा अल्लाह का तो हर वक्त शुक्र अदा करता है, तो क्या वालदैन का भी हर वक्त शुक्र अदा करता रहे अल्लाह की तरह, और अगर कि खुदा न खास्ता किसी के वालदैन नहीं है दुनिया में दोनों, तो उनका शुक्र किस तरह अदा करेगा? बहुत अच्छा सवाल है बिल्कुल। इसमें कि अल्लाह कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, मेरे अपने वालदैन का शुक्र अदा करो, उसकी वजह कि मेरा तो इसलिए अदा करो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हें पैदा किया, जाहिर बात इनकी सारी नेमतें और दौलतें तुम्हें दी हैं, तो असल खालिक हकीकी मैं हूँ जो है वो तुम्हें पैदा किया, लिहाजा तुम्हें शुक्र करना चाहिए। वालदैन का शुक्र इसलिए करो कि मेरी खालकियत का सबब और ज़रिया वो बने, उनको जरिया सबब बना के मैंने पैदा किया तुम्हें, तो चूंकि वो सबब और जरिया बने हैं तो लिहाजा इसलिए उनका भी शुक्र गुजार हो, और जरिए का शुक्र करने वाला वो असल में शुक्र गुजार है। जैसे आप छत के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं जी, तो आप छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ी से गाफिल नहीं हो जाते, भाई सीढ़ी को फेंक दो, उसको संभाल के रखें कि ये जो है जरिया बनी थी छत पे चलने का, अगर ये सीढ़ी ना होती छत पे चढ़ते कैसे? तो गोया कि वालदैन अगर ना होते तो पैदा होते कैसे? तो अल्लाह ने उसको जरिया और सबब बनाया आपकी पैदाइश का, इसलिए अल्लाह कहते हैं मेरा भी शुक्र करो और उनका भी शुक्रिया अदा करो, और जाहिर है उनका शुक्रिया अदा करना क्या उनकी खिदमत है, ठीक है, उनका जबान से भी शुक्रिया करें जी, हैं, और उनकी खिदमत भी करें, और जो दौलत नेमत दी है जिस तरह उन्होंने आपको पाला पोसा है ज़ोफ़ और कमजोरी में और तुम्हें कवी किया है, ऐसे बुढ़ापे और कमजोरी की हालत की देखो, उनको कुव्वत बख्शो, उनको तकवियत दो, उनको माल से और अपनी जो है ताकत से उनको तकवियत और खिदमत करो, तो ये उनका शुक्र है, ठीक, इसलिए उनका भी वक्तन फ़क्तन ज़बान से भी शुक्रिया करें और अमल से भी जो है उनकी खिदमत करें, तो उससे उनका शुक्र अदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह का ज़बान से भी शुक्र करें और अमली तौर पर इबादत भी करें, तो इबादत अल्लाह की और खिदमत वालदैन की, तो ये दोनों चीज़ें होती रहेंगी तो शुक्र अदा होता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह।